इसके उपचार में अपन यूज करते हैं एजिडो, थाइमिडीन, एजिडो थाइमिडीन, जिसको अपन शॉर्ट नोट लिखते हैं एजेडटी, एजिडो थाइमिडीन का उपयोग किया जाता है। एक चीज हो, इन सब का उपयोग जो है वो किया जाता है कैंसर में। किसमें किया जाता है? कैंसर में किया जाता है। कैंसर में क्या रहता है? फ्लोरीन, विरंजक चूर्ण, ओजोन, जियोलाइट, फ्लोरीन, फ्लोरीन, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, जियोलाइट, जियोलाइट आदि का उपयोग, आदि का उपयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। उपयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। जल को शुद्ध करने में किया जाता है। ये अपनी बात हुई किसकी? दैनिक जीवन में और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट आता है अपना टॉपिक कृषि के क्षेत्र में। कृषि में जानते हैं सभी अपन कि खेती, खेती में जितनी भी चीजें हैं वो सारे अपन, जैसे कोई खाद वगैरह हो गया, उर्वरक हो गया, ये सारी चीजें किसमें डालते हैं? अपन खेतों में डालते हैं। फसल की अच्छी पैदावार के लिए अपन खाद वगैरह, यूरिया है, इन सब का उपयोग करते हैं। उर्वरक के रूप में इन सब में क्या होता है? रसायन होता है। इन सभी में क्या पाया जाता है? अपना रसायन होता है ना। और अपन जानते हैं कृषि के क्षेत्र में, तीसरा हो गया कृषि के क्षेत्र में, चौथा पॉइंट अपना कृषि के क्षेत्र में, और फिर आता है अपना उद्योगों में, युद्ध क्षेत्र में, पर्यावरण के शुद्धिकरण में, है ना, उन्नत फसलों की अच्छी व उन्नत। अब कृषि के क्षेत्र में देख लेते हैं अपन, अच्छी फसल, अच्छी फसल पैदावार, अच्छी फसल पैदावार के लिए उर्वरक आदि का, आदि का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जैसे यूरिया, जैसे यूरिया आदि, है ना। अब नेक्स्ट आता है अपना उद्योगों में। उद्योगों में भी देखते हैं अपन, उद्योगों के लिए जैसे सीमेंट हो गया, साबुन हो गया, उपया, सभी उद्योगों में भी रसायनों का उपयोग किया जाता है। उद्योगों में, उद्योगों में जैसे सीमेंट, वस्त्र उद्योग, है ना, सीमेंट उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, है ना, रंग रोगन में हो गया, रंग उद्योग, है ना, ये सारी चीजों में भी काम में लिया जाता है, है ना। नेक्स्ट युद्ध क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में, है ना, वहां जैसे अपने जितने भी बम वगैरह होते हैं वो सारे किससे मिलकर बने हुए? रसायनों से मिलकर बने हुए। बम जो जितने भी हैं वो रसायनों से मिलकर बने हुए। जैसे जैसे अपन कहते हैं टीएनटी, ट्राई नाइट्रो टोलुइन बोलते हैं इसको, ट्राई, ट्राई नाइट्रो टोलुइन कहते हैं, ट्राई नाइट्रो टोलुइन कहा जाता है, डायनामाइट, डायनामाइट, जितने भी बम है वो सारे इसका उपयोग किया, युद्ध क्षेत्र में किया जाता है इनका उपयोग। नेक्स्ट पर्यावरण के शुद्धिकरण में, या इसमें फिर देख लेना एक तो परमाणु बम, बम, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, है ना, हाइड्रोजन बम हो गया, विषैली गैसें जो युद्ध क्षेत्र में छोड़ी जाती है, विषैली गैसें, गैसें, है ना, आदि विषैली गैसें और आदि। नेक्स्ट और देखते हैं अपन पर्यावरण के शुद्धिकरण में,
नियंत्रित करने के लिए रसायनों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है द्रव्य की प्रकृति। नेक्स्ट टॉपिक या तो हो गया अपनी यहां तक बात खत्म, अब आता है अपने पास द्रव्य की प्रकृति। द्रव्य की प्रकृति इसको बोलते हैं अपन नेचर ऑफ मैटर के नाम। क्या कहते हैं इसको? नेचर ऑफ मैटर। अब अपने को द्रव्य या अपन कह सकते हैं पदार्थ। क्या कह सकते हैं? द्रव्य या पदार्थ, है ना। अब पहली बात तो अपन पदार्थ या द्रव्य कहते किसको? पदार्थ और द्रव्य उसे कहते हैं जिसका क्या होना चाहिए? तो द्रव्यमान होना चाहिए, है ना। या नहीं कहते द्रव्यमान, नहीं कहते बोल सकते हैं कि द्रव्य पदार्थ वह वस्तु जो द्रव्यमान या जो स्थान घेरती हो, जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है, है ना, और जिनका जिनका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है और जिनका द्रव्यमान होता है, है ना, तो क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है। द्रव्य कितने प्रकार का? तो अपन कह सकते हैं कि द्रव्य को तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो द्रव्य का वर्गीकरण, अरे अपन जानते हैं, खाली नया वर्ड ये सीखा है अपन ने, द्रव्य पदार्थ की अवस्थाएं, द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती है? तो तीन होती है। तो द्रव्य को कितने भागों में बांटा जाता है? तो तीन भागों में बांटा जाता है। पहला अपना क्या कहलाता है? ठोस, जिसे अपन क्या कहते हैं? सॉलिड, ठीक है। दूसरा अपना क्या कहलाता है? द्रव, है ना। द्रव्य एक तरह से अपना पदार्थ है, मेटल, और द्रव क्या कहलाता है? अपना लिक्विड कहलाता है। क्या कहलाता है? लिक्विड कहलाता है ना। नेक्स्ट तीसरा अगर इसकी बात करें, ये क्या कहलाता है? अपना गैस कहलाता है, गैस कहते हैं, है ना, इसको अपन क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। क्लियर यहां तक? अब देखो नेक्स्ट, सबसे पहली बात किसकी करेंगे? द्रव्य में ठोस। ठोस क्या होता है? तो ठोस को देखते हैं सबसे पहले, है ना, ठोस को देखते हैं। अरे ठोस, चलो अलग से पूरा पॉइंट लिखते हैं, है ना। तो इसके लिए अब देखो ठोस क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट आता है द्रव्य का ठोस अवस्था, ठीक है, ठोस अवस्था को, ठोस अवस्था की बात करते हैं। तो ठोस अवस्था इसको बोलते हैं अपन सॉलिड स्टेट। अरे ठोस अवस्था समझना है मतलब इनके कण क्या होते हैं? बहुत पास होते हैं। इनके कण क्या होते हैं? बहुत पास होते हैं। ये सारे इनके कण पास होते हैं। पास होते हैं मतलब इनके मध्य क्या है? आकर्षण बल अधिक होता है। ठीक है, ठोस की जब बात करते हैं इसके पहले पॉइंट की, तो इनका बोलते हैं कि इनके कण बहुत पास होते हैं। इनके कण क्या होते हैं? बहुत पास होते हैं, अर्थात इनके कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। इनके कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। इनके कणों के मध्य क्या होता है? आकर्षण बल अधिक होता है। आकर्षण बल अधिक होता है। दूसरी बात करें, आकर्षण बल अधिक है कणों को, एक इनका आकर्षण बल अधिक मतलब इनका आकार व
आयतन निश्चित होता है। आकार और आयतन कैसा होता है तो निश्चित होता है ना। घनत्व अधिक होता है, संपीड़ता सबसे कम होती है ना। विसरण का गुण इनमें नहीं पाया जाता है।